हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप। आज मैं बताने वाला हूँ जो जो छात्र छात्राएं मैट्रिक में जो एग्ज़ाम देने वाले 2020 में, उनके लिए जो 17 फोर्स एग्ज़ाम होने वाला है, उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट न्यूज आया है फ्रेंड्स। आप वीडियो को अंत तक देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा फ्रेंड्स। न्यूज पढ़कर भी क्या पूछा, ऊपर आप हेडिंग देख रहे हैं, नकल करने वाले छात्र नहीं जाएंगे जेल। जो छात्र नकल करते हुए पकड़ाएंगे वो जेल नहीं जाएगा फ्रेंड्स। चलिए आपको अब बताता है फ्रेंड्स न्यूज। चलिए देखें, मैट्रिक में अब यहाँ चलिए देख रहे हैं, मैट्रिक में नकल करने या तरीके नकल परीक्षा देने वाले छात्र अगर पकड़े जाते हैं तो वैसे छात्र को ना तो हिरासत में लिया जाएगा, ना ही उन्हें पुलिस के समक्ष प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। 17 फरवरी से मैट्रिक की परीक्षा शुरू होनी है। परीक्षा में पकड़े जाने वाले ऐसे छात्रों को लेकर CID ने SGD विनय कुमार ने भागलपुर सहित अन्य जिलों में SP को कई बिंदुओं पर निर्देश दिए हैं। मैट्रिक परीक्षा के दौरान अवैध तरीका अपनाते हुए पकड़े जाने छात्रों को विशेष किशोर पुलिस इकाई या बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों को अग्रसित किया जाएगा। यह भी निर्देशक है कि ऐसे छात्र की सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट तैयारी की जाएगी। उस रिपोर्ट में यह लिखना होगा कि उस बालक को किन परिस्थितियों में पकड़ा गया है। इस रिपोर्ट में साथ उस बच्चों को किशोर अन्य समिति के बोर्ड प्रस्तुत अन्य समिति जे बोर्ड के प्रस्तुत स्पष्ट प्रस्तुत किया जाएगा फ्रेंड्स। अब बता रहे फ्रेंड्स कि आपको जो छात्र छात्र नकल करेंगे उनके लिए कोई दर्ज नहीं होगा फ्रेंड्स। अगर कोई बाई चांस आपको सस्पेंड या जेल नकल करते किया जा रहा है फ्रेंड्स, तो उसके बाद हेडमास्टर को जो होगा और उसको जवाब देना है फ्रेंड्स। आप लोग जमकर चीटिंग कीजिए, जमकर एग्जाम दीजिए फ्रेंड्स। थैंक्स, वंदे मातरम, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।